नमस्कार दर्शकों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तीन सदस्यों का एक परिवार संगसरी में रहता है, जिसमें माता पिता और उनकी एक 10 साल की बेटी रहती है। तो आइए आज उस परिवार की मुख्य सदस्य यानी पिताजी से बात करते हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले आप आपके बारे में कुछ बताए। जी, मेरा नाम ऋषिकेश तालुकदार है। मैं अपनी पत्नी और मेरी एक बच्ची है, बेटी है, कक्षा 5 में पढ़ती है। हमारा एक छोटा सा परिवार है जो हम संसारी में रहते हैं। और जहाँ तक काम का विषय है, मैं गुवाहाटी बिस्पुर में काम करता हूँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। हमारा बेसिकली काम होता है, मतलब हम टेलीकॉम सर्विस में हैं। वहाँ पे मैं एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है। ओके, फिर आपको कोविड के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, पहले तो ये कुछ ऐसा था कि बाहर के देशों में वो मतलब न्यूज़पेपर्स में आते थे, फिर मीडिया में आता रहता था, हर किसी चैनल में आता रहता था कि बाहर के देशों में सुनने में आ रहा था। बस मीडिया से ही पता चला कि बाहर के देशों से हुई, चीन से, फ्रांस में, अमेरिका में, काफी देशों में ये बहुत ये हो रहा है। तो पहले तो हमारे देश में अपना था नहीं, इतनी जागरूकता भी नहीं थी। तो यहाँ जब पहुंचा ये बीमारी, तो उसके बाद ही मतलब अच्छी तरह से इसके बारे में पता चला। तो जो ये लॉकडाउन है, क्या इस लॉकडाउन में आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव आए? हाँ, बहुत बदलाव आया। पहले ऐसा था कि पहले समय ही नहीं मिलता था, तो समय ही समय है। लॉकडाउन की वजह से घर ही में बैठना पड़ता है, सारा काम, ऑफिस का काम भी घर से ही करना पड़ता है। तो इसमें बहुत कुछ बदलाव आया। पहले क्या था कि जिंदगी क्या थी कि बहुत तेज रफ्तार में चलती थी, कुछ भी आप अपने बारे में कुछ सोच नहीं सकते। दिनचर्या सुबह उठो, नाश्ता करो, ऑफिस जाओ, शाम को आते आते लेट हो जाता है, थोड़ा नहा धोकर फिर खाना खाओ, सो जाओ। कुछ मतलब प्रगति वाली या फिर कोई डेवलपमेंट वाली कोई चीज होती नहीं थी, लेकिन अब ऐसा है कि अभी। नमस्कार, मेरा नाम मयूराक्षी कश्यप है। मैं कक्षा 5वीं अ में पढ़ती हूँ और आज मैं अपनी मम्मी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शर्मा सुख पटवारी है। आप कहाँ रहती हो? मैं नॉर्थ गुवाहाटी मध्यम खंडा में रहती हूँ। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं और कौन कौन? मेरा परिवार में तो 4 सदस्य हैं, मेरा हस्बैंड, मैं और मेरा 2 बेटी। आपके पति और आपके दोनों बेटियों का नाम क्या है? मेरा पति का नाम प्रणव कुमार पटवारी है और बड़े बेटी का नाम जिज्ञासा कैश्य, छोटा बेटी का नाम मयूराक्षी कैश्य। आपको क्या करना अच्छा लगता है? मुझे तो सब कुछ करना ही अच्छा लगता है। आपको क्या पकाना अच्छा लगता है? खाना पकाना अच्छा लगता है, सब कुछ खाना अच्छा लगता है। क्या आप अपने काम से खुश है? हाँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम है भूपति चंद्र सुनवार। आज मैं मेरे पापा का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। नमस्ते। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियानंदा सिंधिया। आप क्या काम करते हैं? हम IIT गुवाहाटी में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। वहाँ आपको क्या क्या काम करना पड़ता है? वहाँ मुझे लैब में रहना पड़ता है। आपको कैसे ऑफिस से आना जाना करना पड़ता है? हम ऑफिस के लिए कभी कभी साइकिल लेके जाता है और कभी कभी गाड़ी लेके जाता है। आपके घर में कौन कौन है? मेरा घर में वाइफ है, मेरा बेटा है और हम IIT गुवाहाटी का कैंपस का क्वार्टर में रहता है। IIT का एनवायरनमेंट कैसा है? कोरोना के बारे में कुछ बताइए। कोरोना के बारे में बताने के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अगर
अगर बाहर निकलना है तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर ले लीजिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्णा देव है। आपका विद्यालय का नाम क्या है? मेरा विद्यालय का नाम नेताजी विद्यापीठ रेलवे हाई स्कूल। आप कौन सी क्लास में पढ़ती है? फर्स्ट। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। धन्यवाद। मेरा नाम हंसिका मेरी है। आज मैं अपनी मम्मी का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमाची मेथी है। आप कहाँ रहती है? मैं स्वामी में रहती हूँ। आपके घर में कितने सदस्य हैं और कौन कौन हैं? मेरे घर में 4 सदस्य हैं, मेरे पति, मैं और मेरी 2 बेटियाँ हैं। आपके पति और बच्चों का नाम क्या है? मेरा पति का नाम है नीरेन मेथी, मेरी बड़ी पति का नाम है हंसिका मेथी और छोटी का अंशिका मेथी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे पति जॉब करते हैं। आपको क्या काम करके अच्छा लगता है? खाना बनाना, नया नया खाना बनाना अच्छा लगता है। और आपको खाना बनाने में कौन सा वाला अच्छा लगता है? सब, रोटी मतलब चिकन मछली सब बना के अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें। आप यूट्यूब से देख कर खाना बनाती हो? हाँ, कभी कभार। आपके घर में हर रोज क्या नए नए खाना होते हैं या एक समान? हर रोज नई नई नहीं बनाते हूँ मैं, लेकिन कभी कभी बनाता हूँ, हफ्ते में 1 बार 2 बार। आपका ड्रीम क्या है? मेरा तो अभी ड्रीम यही है कि मैं, मेरा जो 2 बेटियाँ है वो पर अच्छी तरह से पढ़े और कुछ समझ के अच्छा काम करे, देश के लिए अच्छा काम करे, वही मेरा ड्रीम है। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है गिरवानी चक्रवर्ती। मैं कामाख्या घर दुर्गा सरोवर पहाड़ी इलाके में रहती हूँ। मेरे घर में 4 सदस्य हैं, उन्हीं में से मेरे घर के मुख्यालय सदस्य से कुछ पूछना चाहती हूँ। नमस्ते। नमस्कार, आपका क्या नाम है? कांस्टेबल विष्णु चक्रवर्ती। आपके बारे में कुछ बताइए। मैं 4 FEBN का जवान हूँ और मेरा ऑफिस है काहेरी बार गुवाहाटी। अभी हमारे देश में जो कोरोना नाम की बीमारी आई है, उन्हीं में से आपको कैसा लग रहा है? डर भी लगता है सुन करके, जो हम लोग को पहले से मालूम नहीं था। फिलहाल हाल ही में जो टेलीविज़न हो या न्यूज़पेपर में हम लोग सुना है और देखा है, तो ये बीमारी जो भयानक बीमारी है, ये छूने से फैलता है। और दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ मैं, सभी देश में फैला हुआ है, सभी अपने अपने जो डिस्टेंस बना के रखे। फिलहाल हम लोग अभी जो ड्यूटी करते हैं प्रशासन का, जो प्रशासन हम लोग का जो दायित्व देते हैं, उसी दायित्व को हम लोग लॉयर अगर ड्यूटी संभालते हैं। तो अभी फिलहाल जो हम लोग सोलू सजा स्टेडियम जो गुवाहाटी में है, उसी में ड्यूटी कर रहा हूँ। और सभी देशों से, जैसे हो गया तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, केरला हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, सभी से हम लोग आसाम पर रहने वाला जो कर्मचारी है, जो वहाँ काम करने गए थे, सभी आदमी लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो उसी हाल तो नमस्कार दर्शकों, मैं चेतेश्मा दास केंद्रीय विद्यालय की 5वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं अपनी माँ की इंटरव्यू लेने वाली हूँ, तो चले बिना समय व्यस्त के इंटरव्यू शुरू करते हैं। नमस्ते। तो पहले आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम पूर्णिमा दास है। अच्छा, तो आप कहाँ रहती हैं? जी, मैं दतिवली में रहती हूँ। आपके घर में कौन कौन है और कुल कितने सदस्य हैं? जी, मेरा घर में मेरा पति, 2 बेटा और सती सी बेटी है और कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं। वाह, बहुत अच्छा। तो अभी आप ये बताएं कि आप और आपके पति क्या करते हैं? जी, मेरा पति फेड पुलिस कांस्टेबल है और मैं हाउसवाइफ। तो आप हाउसवाइफ हैं, फिर आप बताएं कि आप
पूरा दिन क्या क्या करते हैं? जी, पूरा दिन तो काम करते करते ही निकल जाता है, जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, बस ये सब में समय बीत जाता है। अच्छा, तो अभी आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या करना पसंद है, क्या खाना पसंद है? जी, मुझे कपड़े बुनना बहुत पसंद है, और जब समय मिलता है मैं कुछ ना कुछ बुनती रहती हूँ। और मुझे घर का खाना बहुत पसंद है और बाहर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। जी, और दर्शकों, ये थी मेरी माँ की इंटरव्यू। आशा करती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नॉर्थ गुवाहाटी में एक परिवार रहता है जिसमें 3 सदस्य रहते हैं, जिसमें माता पिता और उनके 10 साल की बेटी रहती है। तो आइए उनके घर के दूसरे मुख्य सदस्य यानी कि माता जी से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुलता दास है। आप कहाँ रहती हैं? मैं असम के कामरूप जिले के नॉर्थ गुवाहाटी मार्सगांव में रहती हूँ। तो आप क्या काम करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। और तो आपकी हॉबी क्या क्या है? मेरा हॉबी, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, घर के काम करना अच्छा लगता है, और खाना बनाना जैसे कि चिकन, मटन, बिरयानी, शाही पनीर, आलू पराठा, रोटी, ये सब बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आपकी भी एक रूटीन होगी, तो जो आपकी डेली रूटीन है आपका, तो उसमें आपका कुछ फर्क आया? हाँ, बहुत फर्क आया। पहले क्या होता था कि सुबह सुबह जल्दी उठो, घर की साफ सफाई करना पड़ता था, फिर ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर बच्चों को उठाओ, उसको रेडी करो, और फिर टिफिन बनाओ, फिर बच्चों को स्कूल छोड़े जाओ, और स्कूल के आने के बाद हस्बैंड के लिए टिफिन बनाओ, सब बहुत कम करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि टाइम ही टाइम है, बस बोर होते जाते हैं, घर से ही बाहर ही नहीं जा सकते, सिचुएशन ही ऐसा है, क्या क्या करें। तो आप कोरोना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है सिचुएशन कब ठीक होगा? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन हम पे कर सकते हैं कि जल्दी ये ठीक हो जाए, और साइंटिस्ट भी कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति देखा है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं अपनी माँ का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। नमस्ते। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेखा देखा है। आप कहाँ रहती हैं? मैं नॉर्थ गुवाहाटी रोटेश्वर में रहती हूँ। आपके घर में कितने और कौन कौन सदस्य है? मेरे घर में 3 सदस्य है, मेरे हस्बैंड, मेरा एक बेटा और मैं। आपके पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम कीर्ति डेका है। आपके बच्चे का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम ज्योति डेका है। आपको कौन सा काम करना पसंद है? मुझे तो सब काम करना पसंद है। आप क्या करती है? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आपको कौन सा खाना खाना अच्छा लगता है? मुझे भात दाल खाना अच्छा लगता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं कार्तिक बस्स, आप सभी को इस कार्यक्रम पर स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने पिताजी का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। नमस्ते, इस कार्यक्रम पर आपको हार्दिक अभिनंदन। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं कविंद्र बस्स, मैं दलेवाड़ी में रहता हूँ, मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ। मेरे परिवार में मेरा माता पिता और बीवी और 2 बच्चे हैं, एक कार्तिक बच्चे हैं और एक गंभीर। अभी जो COVID-19 पैंडेमिक समय चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? COVID-19 पैंडेमिक जो सारे विश्व में चल रहा है, ये सभी को पता है कि एक जानलेवा बीमारी है। COVID-19 जो वायरस है, ये एक से एक आदमी के संक्रमित हो जाता है। ये वायरस चीन की वुहान प्रदेश में पाया गया था, और उसमें से सारे विश्व में फैल रहा है। अब हमारे देश और राज्यों में भी
बुरी तरह से फैल चुका है। कोविड-19 के साथ कुश्ती और स्वस्थ खरगोश संपर्क है क्या? हाँ, कोविड-19 के साथ कुश्ती और स्वस्थ का संपूर्ण संपर्क है। अगर हमारे स्वास्थ्य संपूर्ण स्वस्थ रहेगा तो हम लोग को कोविड-19